हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ जो IMRE हमारा जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट करवा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने थ्योरी लेक्चर्स और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने IMRE सब्जेक्ट को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे अच्छा है कि आप जाइए और देखिए। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हीटिंग के करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए। आज ये हमारा कौन सा है, आज ये हमारा छठवां है। कौन सा, आज हमारा छठवां लेक्चर चलने जा रहा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी भट्टी की हीटिंग एलिमेंट का मटेरियल होना चाहिए, यानी कि जो हमारा भट्टी होता है, फर्नेस होता है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है यानी कि गर्म करने वाला जो तत्व होता है वो किस मटेरियल, किस पदार्थ का होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, हायर मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दोस्तों, यहाँ पर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से हमारा जो हीटिंग एलिमेंट होता है उस पर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसका कैसा होना चाहिए, उसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमें पता है कि जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलती है, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होती उतनी ज़्यादा हमें हीट मिलती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडक्शन हीटिंग की उच्च होती है, यानी जो इंडक्शन हीटिंग होती है उसमें हमारा क्या हाई होता है। तो पहला है इसमें फेज एंगल, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है करंट और चौथा है वोल्टेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो जिस तरह से ये हमारे इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, किसके, इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, जिस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे कार्य करता है उसी सिद्धांत पे हमारी इंडक्शन हीटिंग भी कार्य करती है। अब हमें पता है कि जैसे यहाँ पर हमारे ED करंट या फिर हिस्टेरेसिस लॉसेस बनते हैं, तो ये सारे ED करंट हो गए चाहे ये सारे सारे हमारी फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के हमारे कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी हाई क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी हाई क्या होगी, हमें हीटिंग मिलेगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर है, यानी कि हमारा बी नंबर, यानी कि क्या होती है इंडक्शन हीटिंग की, तो इंडक्शन हीटिंग की हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। तीसरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हीटिंग क्या होता है कि हीट की कई सारी मेथड्स होती हैं, उनमें से जो हमारी ऐसी कौन सी मेथड है या फिर उनमें से क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों पहला इसमें ऑप्शन है कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, यानी कि हीट ट्रीटमेंट कास्टिंग करने में, हीटिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर को गर्म करने में, मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को गर्म करने में, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है वो हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें फर्स्ट चाहिए, यानी कि हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, घरेलू ओवन का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक ओवन होता है उसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पहला है वोल्टेज वेरिएशन, यानी कि वोल्टेज को बदल करके, दूसरा है थर्मोस्टेट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है सीरीज पैरेलल ऑपरेशन के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओवन होता है, डोमेस्टिक ओवन होता है या फिर घरेलू ओवन होता है, उसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं थर्मोस्टेट के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, थर्मोस्टेट के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा SSC JEE या फिर कोई भी कंप्लीट एग्जाम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में भी आने दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और मैं लास्ट में बता दूंगा कि इस वीडियो की PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग ई की तरफ चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस में जो माइका का प्रयोग होता है, ये माइका MICA जो आप पढ़ते हैं, इसका प्रयोग क्यों होता है। तो एक तो कैसे होता है, इंसुलेटर के तरीके, या फिर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, तीसरा ऑप्शन डायलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग के लिए, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा माइका होता है इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इंसुलेटर की तरह के करते हैं, कैसे करते हैं, एज ए इंसुलेटर की तरीके, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर सही है। इसके बाद हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसमें आपको बताने कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है उसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है निकिल कॉपर, दूसरा है नाइक्रोम, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर हमारा सिल्वर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी हाई होगी उतनी उससे ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, कहीं ना कहीं हीटिंग मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, उसमें ऑप्शन सही है आपका तीसरा, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। देखिए दोस्तों निकिल नाइक्रोम या निकिल
इनमें भी आपको हाई टेम्परेचर मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट में याद रखना है कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, सिलिकॉन कार्बाइड। अब हम लोग जी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरमिनेंट वर्क के लिए भट्टी प्रयोग होती है, इंटरमिनेंट वर्क मतलब रुक रुक कर जैसे होता है, उसके लिए हमारी कौन सी भट्टी प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें से पहले ही आपको बताया कौन सी भट्टी, तो आर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद हमारा एच नंबर क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में सबसे ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि आपने इनडायरेक्ट हीटिंग पढ़ी हुई। अब इसका इनडायरेक्ट हीटिंग का डायग्राम कैसा था? ऐसा था, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस मेटर ये फिलामेंट था, और यहाँ पर ऐसे ये ढका हुआ था, और यहाँ पर हमारा क्या था, जिसको हम लोग जिस पदार्थ को पिघलाना वो यहाँ होता था। तो यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट है और जो हमारा जिस पदार्थ को पिघलाना यानी कि चार्ज है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते थे, तो इसे हम लोग बोलते थे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब इसमें पूछा गया कि इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो चार्ज में, वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन रेडिएशन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा कंडक्शन, या फिर आयनी आपदा, यानी इनमें से किसी के द्वारा भी। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा क्या है, रेडिएशन सही है। कौन सा सही है? रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के द्वारा हमारा जो हमारी इंडक्शन जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, इसमें सबसे ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होता है। इसके बाद किस विधि के द्वारा रेजिस्टेंस फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस फर्नेस का जो रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं या कैसे वेरिएट करते हैं? तो पहला है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि सीधे ही हम लोग रेजिस्टेंस को बदल कर, या फिर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के का को वेरिएट करके बदल करके, या फिर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ सप्लाई फ्री पीरियोडिकली, यानी कि जो हमारी सप्लाई होती है उसको ऑन ऑफ करके, मतलब एक टाइम के बाद ऑन करें फिर ऑफ करें, या फिर ऐसे, या फिर इन तीनों विधियों के द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं फर्नेस मतलब टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस फर्नेस का। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे मेथड आपके कहीं ना कहीं यूज होते हैं किसको कंट्रोल करने में, रेजिस्टेंस कंट्रोल करने में, फर्नेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा ऑल ऑफ द वे चौथा सही है। इसका जे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आर्ट फर्निसिंग का ये ठीक है ना वांछनीय पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ देखो आर्क नहीं है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपका आर्क है, क्या है? जो आर्क फर्नेस होती है, यानी कि आर्क फर्नेस होती है, उसमें उसका डिजायरेबल फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर पावर फैक्टर जिसके द्वारा हमें आराम हो, यानी कि पावर का कंजप्शन कम हो, या फिर कैसा होता है, या फिर कैसा आता है उस पर पावर फैक्टर। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं, पहला ऑप्शन इसमें जीरो, दूसरा है 0.707 लैगिंग, फिर तीसरा है लीडिंग, यानी कि 0.707 लीडिंग, या फिर यूनिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आर्क फर्नेस होती है, और हमेशा याद रखना आर्क का पावर फैक्टर हमेशा कैसा होता है, लैगिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको बिना देखे लगा सकते हैं, कौन सा? 0.707 लैगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों? इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन समानुपाती होती है, यानी जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है उनसे जो रेडिएशन निकलता है वो किसके समानुपाती होता है? दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये T2 नहीं है, टी स्क्वायर है। T3 का मतलब है यहाँ पर T³, और T4 का मतलब 84 का मतलब यहाँ T⁴ है। ठीक है दोस्तों मैं बता दूँ आपसे, जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनसे जो रेडिएशंस निकलती है वो हमारे T⁴ के समानुपाती होती है। ये किसके थ्रू बता रहा हूँ? ये दोस्तों होता है हमारा स्टीफंस लॉ, इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देखिए, इंडक्शन फर्नेस में चौक नहीं, यहाँ पर चौक है। ठीक है दोस्तों? ये जो चौक नहीं होता CH कई चोक का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्टेबलाइज द आर्क, दूसरा है हमारा इंप्रूव द पावर फैक्टर, रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ सर्ज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडक्शन फर्नेस होती है उसमें जो हमारे चोक का प्रयोग होता है वो होता है स्टेबलाइज द आर्क, यानी कि आर्क को स्थायी करने में, किसमें? आर्क को स्थायी करने में। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर कितने कम से कम 12-13 क्वेश्चन करवा दिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। अदरवाइज़ उसका नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या? पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ज़्यादा सिलेबस तो भी आप लोगों को नहीं हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़े से भी आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल्स को जरूर यहाँ पर दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी वीडियोस को लाइक किया। अगर कहीं पर दोस्तों कोई आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।